जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बार बार ये भरोसा दे रहे हैं कि दरअसल ये नागरिकता देने का कानून है, लेने का कानून नहीं है, फिर आप लोग डर और दहशत कायम क्यों करना चाहते हैं एक तबके में? क्या इसके तो पीछे आप लोगों की खालिस राजनीति नहीं है? आपकी मंशा पर सवाल क्यों नहीं पूछा जाए? मैं यही बताना चाह रहा हूं कि ये मोदी, अमित शाह, उनके स्पोक्स पर्सन, ये सब आकर देश को वरगला रहे। ये लोग इसको हिंदू मुसलमान के अंदर डिवाइड करने की कोशिश कर दिया। इन लोगों ने एक डिविसिव कानून लेकर आ गया जो असंवैधानिक है। इसीलिए जफर साहब, आज जो देश का युवा या देश में जो प्रोटेस्ट चल रहा है एनपीआर एनआरसी सीए के विरुद्ध, ये सिर्फ मुसलमान नहीं कर रहे है, ये हमारे हिंदू भाई, क्रिश्चियन भाई, दलित भाई, सिख भाई, सब मिलकर रस्ते पे उतरे, क्योंकि हम सब संविधान को बचाने उतरे हैं। हम तो देश की डेमोक्रेसी को बचाना चाहते हैं। लेकिन आप सीए पर करते रहिए विरोध, अब क्या बचा है आपके हाथ में? मैं चित्रा जी, नहीं नहीं, वारिस पठान साहब, सीए को लेकर आप करते रहिए विरोध, अब तो आपके हाथ में कुछ है नहीं। केंद्र सरकार की ओर से जो आखिरी मुहर थी वो भी लग चुकी है, अब इसको लेकर नोटिफाई कर दिया गया है। चित्रा जी, ये तो सरकार का 10 सेकंड लेना चाहूंगा चित्रा जी, दिल जो है सरकार का लोगों के मैं सामने ये कहना चाहता हूं, एक मिनट वारिस जी, वारिस जी, भावनाओं के साथ मजाक कर रहे हो, सुन लीजिए फिर जवाब दे दीजिएगा, विरोध कर रहे थे उनकी भावनाओं, मेरी बातों का जवाब दे दीजिएगा, 10 सेकंड सुन लीजिए, आ गए, मगर प्रोटेस्ट चलता रहेगा जब तक हम जिंदा है, हम प्रोटेस्ट करते रहेंगे, क्योंकि संविधान को बचाने वाली बात है। चित्रा जी समझ लीजिए, ये हमारे देश का जो सोल ऑफ इंडिया है सेक्युलरिज्म, उसको बचाने की बात है, और ये जो हमारे देश का डेमोक्रेसी उसको बचाने की बात है। इसलिए मोदी और अमित शाह कुछ भी कर ले, हम पीसफुल मैनर में प्रोटेस्ट हमारा जारी रहेंगे जब तक के ये इतना जो खतरनाक एक्ट आया है, काला कानून है, वो मोदी और अमित शाह वापस नहीं ले लेते। अरे देश के लोगों की कम से कम जज्बे की तो कदर करो। ठीक है, चलिए मैं इसका जवाब ले लेती हूँ। लाखों लोग आज रस्ते में उतरे, युवा उतरा है, स्टूडेंट जिसका कोई रिलीजन नहीं है, उसके तो जज्बे की जफर इस्लाम साहब, उन लोगों को कैसे आप समझाएंगे जो सड़क पर उतर कर लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं? उनमें ठीक है, वारिस पठान साहब, सबसे आगे ममता बनर्जी, 10 से ज्यादा रैलियां वो कर चुकी हैं, सरकार को लगातार निशाने पर लेती रही हैं। प्रधानमंत्री ने खुद उनके गढ़ में जाकर उनको समझाने की कोशिश जरूर की हो, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपकी सरकार को लेकर आपकी मंशा पर सवाल खड़े कर रहे हैं, कैसे समझाएंगे उनको आप लोग? देखिए देखिए, बिल्कुल समझाएंगे, देश के हर नागरिक को समझाएंगे, और हर नागरिक को बार बार बड़ा अफसोस के साथ कहना चाहता हूं, दो बातें उठाना चाहता हूं। पहले जो आप तौसीफ साहब कह रहे थे कि अगर कानून बनेगा तो कानून, अगर उसके कानून जब बन जाता है और उसके बारे में वेलफेयर स्कीम को नहीं अगर इम्प्लीमेंट करते हैं या सरकारी स्कीम को नहीं इम्प्लीमेंट करते हैं तो सरकार उस पर कार्रवाई करे, जरूर कार्रवाई करेंगे, ये आप जान लीजिए तौसीफ साहब, जरूर कार्रवाई होगी टीएमसी पे। दूसरी बात कहना चाहता हूं कि ये अफसोस के साथ कह रहा हूं, ये बात मैं अफसोस के साथ कह रहा हूं, मैं बिल्कुल बड़े बड़े दुखी दिल से कह रहा हूं कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जो कहते हैं ये तौसीफ साहब और ये वारिस पठान, उनको बड़े पाबंदी से सुनते हैं। देश का प्रधानमंत्री बार बार कह रहा भाई देश के नागरिकों के लिए कोई लेना देना नहीं, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, इनको इमरान खान क्या बोलेगा, वही मौलाना असदुद्दीन ओवैसी तो देश के नागरिकों का इतना 50,000 करोड़ रुपया क्यों बर्बाद कर रहे हो, हमारे सबके पसीने की कमाई, लोग टैक्स भरते हैं, उसको अगर कुछ लेना देना नहीं है हमसे तो हमारा पैसा क्यों बर्बाद किया जा रहा है? इनको नहीं, कोई देश का जो कानून लेकर आगे उसके पीछे आप बर्बाद करना चाहते हो, देश के हजारों लाखों कर्मचारियों को आप काम पे लगा दोगे, मुस्लिम समाज का वैल्यू नहीं रहेगी, आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है।